नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। विश्व भर में फैली वैश्विक महामारी कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस के डबरा शहर में बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए जहां प्रशासन ने डबरा गला मंडी बंद कर दी है, वहीं व्यापारियों को अपने अपने गोदामों पर खरीदी करने के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी कर दिए हैं। इसी का फायदा उठाते हुए डबरा के व्यापारी अन्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के किसानों के फसल चोरी छुपे मंगाकर शहर में खरीद कर रहे हैं। बिना जांच हुए चोरी छुपे बाहरी राज्य से आए किसानों से शहर में लगातार कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। सौदा पत्रक के लिए जारी करने के लिए भी जब व्यापारी द्वारा बुलाया गया आपको, जब मीडिया वहाँ पहुँच चुकी थी? हमारे पास 28 सेंटर है, 28 सेंटरों पे हम सभाओं पे जाते हैं और सौदा पत्रक जारी करते हैं। तो यूपी मंडी के यहीं से नीलामी हो गए तब आता है यहाँ, जिनको मेरे परमिशन दी गई है माल चलाने की मंडी की। क्या परमिशन है? क्या उत्तर प्रदेश का माल भी चला सकते हैं? ये ट्रकों में भर के आ रहा है। खुला हुआ माल था, वो किसान का माल था। किसान कह रहा कि मेरा माल है, वो आया किसान आ गया था वहाँ। वो किसान तो कह रहा मैं वहाँ से उत्तर प्रदेश के कोई चीज़ कहाँ से चिड़गाँव से लेके आ रहा हूँ। यहाँ से भी लाया, वो अपने नहीं है जानकारी कहाँ से लाया था, मंडी कहाँ से। तो बाहरी किसान यहाँ आके फसल तुला सकते हैं अपनी? उत्तर प्रदेश का है, कहाँ का है अपने तो जानकारी नहीं है। नीलाम बोली मंडी में हुई है, मंडी से माल जहाँ आया है हमने। अपन हरिद्वार सौदा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, अगर बाहर से किसान आएंगे तो उसमें दिक्कत तो होगी ना, बाहर क्या दिक्कत पाएंगे? हम तो अपन ही क्या बोलते हैं किसान है। फिर इसके बाद भी आप सौदा पत्रक काट रहे हैं? हमारा ही ड्यूटी रही है, मंडी में डाक होगी, मंडी में डाक होने के बाद सोशल डिस्टेंस के सर मंडी में तो डाक होगी। सोशल डिस्टेंस के लिए वहाँ मंडी इसीलिए बंद की गई है कि सोशल डिस्टेंस का पालन हो सके, और आप यूपी के व्यापारियों को यहाँ बुला रहे हो फसल बेचने? बुला रहे हैं, जैसा कि आपके द्वारा अनुज्ञा काटी गई तो आपके द्वारा आमंत्रण है। ये तो आपके अहंकार है कि यूपी के व्यापारी हैं। चलो ठीक।